हॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन करने जा रहा है। ये कहानी एक कपल की है जो अपनी लाइफ में लूजर होते हैं, लेकिन लाइफ इन लोगों को एक ऐसा मौका देती है कि इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। लेकिन क्या ये मौका इनके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, पता लगाएंगे हम इस मूवी के एक्सप्लेन में। ये कहानी है जॉन और एलिस की। जॉन एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता है और एलिस अभी तक जॉब सर्च कर रही होती है। जॉन और एलिस एक किराए के घर में रहते हैं। एक दिन इस घर का मालिक, जिसका नाम आम होता है, किराया लेने आता है। आम और एलिस दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े होते हैं और एलिस आम को किराए का चेक देती है। तभी आम एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जाते समय वो आते हुए जॉन की पिटाई कर देता है। अगले दिन जॉन और एलिस अपने फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में जाते हैं। एलिस और जॉन को लोग लूजर समझते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। चुक और लुईस ही उनके खास दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो पार्टी इंजॉय करते हैं। अगले दिन ये दोनों कुछ सामान लाने के लिए कार में बाहर जा रहे होते हैं। तभी इन लोगों का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस से बात करते वक्त एलिस को सड़क के दूसरे किनारे पर एंडिक शॉप दिखती है, जहाँ पर काम कर रही लेडी को एंडिक ट्यूब को एक लोहे के ड्रम से निकालते हुए देखती है। एलिडी टोटी तब अट्रैक्टिव होती है और उस लेडी के पीछे एंटिक शॉप में चली जाती है और शॉप के अंदर मौका देकर एलिस उस ट्रिप बोर्ड को चुरा लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एलिस अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्टाइलिश कर रही होती है और अचानक से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तभी डीप वोट का ढक्कन हिलता है। तभी एलिस डीप वोट के ढक्कन को हटाती है और उसमें से उसको $200 मिलते हैं और एलिस सरप्राइज हो जाती है। एलिस जानबूझकर अपने आप को एक बार और शॉक लगाती है और फिर उसको डीप वोट के अंदर से पैसे मिलते हैं और एलिस को समझ में आ जाता है वो जितनी बार वो अपने आप को चोट लगाएगी, अपने आप को पहन देगी, उतनी ही बार डीप वोट उसको पैसे देगा। और वो अपने आप को अलग अलग तरह की चोट देती है और डीप वोट से पैसे निकालती है। शाम को जॉन जब घर पर आता है, एलिस को चोट लगे देख कर घबरा जाता है, लेकिन एलिस उसको डीप वोट के बारे में बताती है। लेकिन जॉन को इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो एलिस उसको अलग अलग तरीके से मारती है और डीप वोट से पैसे निकालती है। जॉन को विश्वास हो जाता है कि जॉन कहता है, लेकिन मेरी आज नौकरी चली गई है, लेकिन पैसे कमाने का तरीका ये सही नहीं लगता है। एलिस उसको समझाती है कि डीप वोट एक अपॉर्चुनिटी है, इसे हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन एलिस के पास एक नोट छोड़कर फोर्ट को वापस एंटी शॉप में ले जाता है, लेकिन वो शॉप वहाँ पर बंद होती है। जॉन उस डी पोर्ट का वैल्यू जानने के लिए एंटीक शॉप टीवी प्रोग्राम में ले जाता है। वहाँ पर डी पोर्ट को देखकर चाइनीज आदमी सरप्राइज हो जाता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस डी पोर्ट में ज्यादा कुछ खास पता है। जॉन एलिस के साथ एग्री हो जाता है, हम इस डी पोर्ट से पैसे बनाएंगे और अपने ड्रीम पूरे करेंगे, लेकिन 1 मिलियन पैसे कमाने के बाद इस डी पोर्ट को यूज करना बंद कर देंगे। एलिस इस बात पर एग्री हो जाती है। अब शुरू होता है अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट देकर पैसे कमाने का सिलसिला शुरू होता है। टैटू बनाना, वैक्सीन करना, तरह के गेम प्ले करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके। देखते ही देखते वो डीप वोट से बहुत सारे पैसे बना देते हैं और वो पैसे अपने बाथरूम में छुपा देते हैं, उन पैसों से अपना लोन भी चुका देते हैं। दिनों बाद में जॉन के घर दो जुड़वा भाई आते हैं, जॉन की पिटाई करने लगते हैं और जॉन को बताते हैं कि वो ओल्ड लेडी जिसे आप एलिस ने डीप वोट चुराया था, वो उनकी ग्रैंडसन है और डीप वोट उनसे बिलोंग करता है। उन जुड़वा भाइयों ने बताया कि जॉन के टीवी प्रोग्राम से उन्हें पता चला कि डीप वोट यहाँ पर है। सिचुएशन को देखकर एलिस डीप वोट से पैसे निकाल कर जुड़वा भाइयों को दे देती है। एलिस कहती है कि डीप वोट उसने बेच दिया है, ये पैसे लेके यहाँ से चले जाओ, और जुड़वा भाई पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एलिस और जॉन डीप वोट की सच्चाई जानने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर एक डीप वोट की एशियन बुक मिलती है। एलिस को पता चलता है कि ये डीप वोट लगभग 2000 साल पुराना है। इस डीप वोट के फायदे के साथ इसके बहुत सारे खतरे भी हैं। बुक में डीप वोट से सावधान रहने के लिए कहा जाता है और जॉन भी बुक पढ़ता है, लेकिन एलिस उससे कन्विंस कर दिया है, बुक बहुत पुरानी है, हमें बुक की बातों को नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में ये लोग डीप वोट को यूज़कर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और इन पैसों से लग्जरी कार और बंगलो खरीदते हैं और अपने ड्रीम पूरे करते हैं और उस बंगलो में एक पार्टी रखते हैं और वो लोग अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी पार्टी के दौरान वही चाइनीज आदमी मजे पर खड़े होता है, जिसने डीप वोट को टीवी प्रोग्राम पर देखा था। इस आदमी का नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन और एलिस को बताते हैं कि डीप वोट तुम्हारे लिए खतरनाक है,
इसको मुझे दे दो। और जॉन और एलिस उसे कहते हैं कि डी फोर्ट उसने बेच दिया है और लीव को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। एक रात को एलिस और जॉन अपने लग्जरी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं और चुपके से आम उसकी बात को सुन लेता है और बहुत जेलिस फील करने लगता है और वो सोचता है कल के किरायेदारों के पास इतना पैसे कहाँ से आए। और जलन के मारे वो घर में घुस जाता है और वहाँ पर रह कर डी फोर्ट लेकर भाग जाता है और अपनी कार में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर चिढ़ाने के बाद में आम उस डी फोर्ट को फेंक देता है और अपनी कार से डी फोर्ट को कुचल देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली डी फोर्ट को कुछ नहीं होता है। इस घटना को देखकर एलिस और जॉन को विश्वास हो जाता है कि डी फोर्ट में जरूर ऐसी बात है जिसकी वजह से ये अनब्रेकेबल हो गया है। इसका राज जानने के लिए वो डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। डॉक्टर ली बताते हैं कि ये डी फोर्ट जीसस के टाइम का है। डी फोर्ट को हिस्ट्री में कई महान और बुरे लोगों ने यूज किया है, लेकिन ये डी फोर्ट 1945 में नाजी कैंप से गायब हो गया था। उसके बाद पहली बार मैंने डी फोर्ट टीवी पर देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आया था। डॉक्टर ली बताते हैं कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत भी बुराई है तो इस डी फोर्ट को तुम लोग अपने पास रखोगे, बर्बाद हो जाओगे। डॉक्टर ली उनकी भलाई के लिए कहता है वो डी फोर्ट उनको दे दे, लेकिन एलिस इस बात के लिए एग्री नहीं होती है और डी फोर्ट अपने साथ ले जाती है और फिर अपने आप को चोट लगा कर पेन देकर पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहता है। एक रात को जुड़वा भाई एलिस के घर में घुसते हैं और बाथरूम में छुपाए पैसे चुरा लेते हैं। एलिस और जॉन जाग जाते हैं। एलिस अपने पैसे को चोरी होते हुए देख कर गुस्सा हो जाती है और दोनों भाइयों पर हमला बोल देती हैं, लेकिन फिर भी जुड़वा भाई ये पैसे लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह जब पीटे हुए जॉन और एलिस उठते हैं तो एलिस बहुत रोती हैं कि उनका बनाया हुआ सारा पैसा जुड़वा भाई ले गए, लेकिन जॉन एलिस को कन्विंस करता है हमारे पास डी फोर्ट है, हम दोबारा पैसे बना लेंगे। वो अपने आप को छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार डी फोर्ट से बहुत कम पैसा निकलता है। उनको रियलाइज होता है कि डी फोर्ट को जितना यूज करोगे और टाइम के साथ इसकी पावर कम होती जाएगी। उनको समझ में आता है डी फोर्ट से अब ज्यादा पैसे बनाने हैं, चोट भी ज्यादा खानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए जॉन एक क्लब में बैडमैन से जानबूझकर लड़ने पड़ता है ताकि बीट फोर्ट से पैसे कमाए जा सकते। वापस आते समय ली जॉन को फिर बताता है कि डी फोर्ट अब उन लोगों को कंट्रोल करने लगा है और डी फोर्ट जॉन और एलिस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जॉन इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। एक दिन एलिस सड़क के पास बेंच पर बैठी होती है तो सड़क के पास स्केटिंग करता हुआ लड़का और उसको चोट लगती है। एलिस देखती है कि डी फोर्ट में फिर से पैसे बन गए। इसे एलिस को ये बात में समझ आ जाती है कि डी फोर्ट के आसपास अगर किसी भी आदमी को चोट लगती है तो पैसे बनते हैं। और ये बात जॉन को घर जाकर बताती है कि जॉन अगर डी फोर्ट के आसपास अगर किसी को चोट लगती है तो इसमें पैसे बनते हैं और अपने आप को हर्ट करना ज़रूरी नहीं है। और उस बात का ये फ़ायदा उठाकर और ये अलग अलग तरीक़ों से जहाँ पर लोगों को दर्द होता है, चोट पहुँचती है वहाँ पर, और डी फोर्ट से बहुत सारा पैसा बनाते हैं। एलिस ड्राइव करते कर जॉन को बताती है कि अब एलिस बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है और लालच एलिस के दिमाग पर हावी हो चुका होता है। और एक सड़क पर आते हुए एक आदमी को देखती है और मारने के लिए उस पर कार चलाने वाली होती है ताकि डी फोर्ट से पैसे कमाए जा सकता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है। जॉन को अब पता चल चुका था कि एलिस को अब डी फोर्ट कंट्रोल कर रहा है और जॉन इन सब को रोकना चाहता है और एलिस अभी भी पैसे कमाना चाहती है। तभी इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं और इनको मेंटली बहुत हर्ट होता है और इन दोनों का दिल दुखता है। हर्ट हुई एलिस जब कार से उतर जाती है तो वो देखती है कि डी फोर्ट से पैसे गिरने लगते हैं। तो एलिस को समझ में आता है कि जब आप किसी को मेंटल पेन या दिल दुखाते हो तभी डी फोर्ट पैसा दे। वो पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल पेन होता है या एक दूसरे का दिल दुखे। एलिस जॉन को बताती है कि कॉलेज टाइम में उनके घर का ओनर आम ही उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ वह कई बार इंटीमेट हुई थी। और जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और बहुत पेन होता है। गुस्सा होकर वो आम को उसको पीटने के लिए घर पर जाता है, लेकिन सीधा साधा जॉन खुद पीट के आ जाता है। उसी समय आम डी फोर्ट को देखती है और उसको समझ में आता है और ये लोग पैसे यहाँ से बना रहे हैं और आम उस डी फोर्ट पर नज़र रखने लगता है एक दूसरे के सीक्रेट एक्सपोज करने के लिए। बाद में ये अपने आसपास के दोस्तों को ऑफिस के लेके पड़ोसियों के सबके सीक्रेट
उनके पार्टनर्स को जाके बताते हैं ताकि एक दूसरे का दिल टूटे और उसको बहुत सारे पैसे मिले और इसके द्वारा वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एलिस का मन अभी तक नहीं भरा था। एलिस अभी भी कहती है कि हमारे आसपास तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, हम इनमें से किसी को मार देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और क्रिमिनल के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी को मारने से पहले एक गड्ढा खोदते हैं ताकि लाश को सही जगह ठिकाने पर लगाया जा सके। इसी दौरान जॉन एलिस से पूछता है तुम्हें मेरी जरूरत है या टी फोर्ड की। तभी एलिस सरप्राइजली कंफ्यूज हो जाती है और वो जवाब नहीं दे पाती है। जॉन को लगता है कि उसने टी फोर्ड को चॉइस किया है। जॉन को अब समझ में आ गया है कि एलिस को टी फोर्ड अब पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जॉन हेल्प लेने के लिए डॉक्टर ली के पास जाता है। वो कहता है कि एलिस को एलिस अब किसी को मरने मारने पर उतारवाई गई है। डॉक्टर ली बताता है कि फोर्ड को जो कोई भी चुराता है उसके माइंड को डी फोर्ड पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर की जितनी भी शक्तियाँ। डॉक्टर ली बताता है कि एलिस मुझे डी फोर्ड नहीं देगी, एलिस से अगर कोई डी फोर्ड ला सकता है वो सिर्फ तुम हो। उसी रात एलिस को उसके मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है जिसने उसे डी फोर्ड चुराया था और रिफ्लेक्शन में वो बहुत गंदी दिखती है और उसको रियलाइज होता है कि वो अभी बैड पर्सन बन गई है। तभी उसको दिखता है कि जॉन डी फोर्ड को लेकर विंडो में बैठा है। एलिस को बोलता है कि फिर तुमने डी फोर्ड को डॉक्टर ली को नहीं दिया, मैं यहाँ से खोद कर सुसाइड कर लूँगा। पहले तो एलिस इमोशनल हो जाती है, उसे प्रॉमिस करती है कि डी फोर्ड को डॉक्टर ली को दे दूंगी। थोड़ी देर बाद एलिस फिर से डी फोर्ड फोर्ड की तरफ एक्टेड होने लगती है। जॉन को रियलाइज होता है कि एलिस का प्रॉमिस तो फेक है। वो डिसअपॉइंट होकर विंडो से कूद जाता है। वो डी फोर्ड के साथ गार्डन में गिरता है और एलिस नीचे आती है। जॉन को बेहोश देकर बहुत रोती है और इमोशनल हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने कौन इम्पोर्टेंट है, जॉन के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। और वो डिसाइड करती है कि सर डी फोर्ड क्या काम का जो अपने को ही मरा देता है। और उसने वो डी फोर्ड डॉक्टर ली को देने का फैसला करती है। लेकिन उसी रात में आम एलिस और जॉन के घर के बाहर आम उस डी फोर्ड को एलिस के घर से चुला लेता है। पहले तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि तो अच्छा हुआ भला टली। जॉन को याद आता है कि डी फोर्ड की बुरी शक्तियों से अगर आपको बचाना है तो उसे खुद जाकर डॉक्टर ली को ये डी फोर्ड देना होगा। तो वो भाग कर आम के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आम और उसकी वाइफ पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे होते हैं। और एलिस और जॉन और एलिस आते ही उन पर गन तान देते हैं। तभी वहां पर दोनों जुड़वा भाई आ जाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। इसी बेसबाजी में चारों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को गोलियां चलाकर मार लेते हैं। और लालच बुरी बला है, इस लालच में और चारों लोग मर जाते हैं। जॉन और एलिस फोर्ड को उठाकर डॉक्टर ली को दे देते हैं और डॉक्टर ली उस डी फोर्ड को एक गहरे समुद्र में फेंक आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग ट्रैक पर चले जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।